हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एंड टिप्स बाय नीलेश चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड की नई एक अपडेट आई है, जिसके अंदर अगर आपका आधार कार्ड कहीं पर खो जाता है तो अपने आधार कार्ड को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। पहले भी ये प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पर एक नया नाम जुड़ चुका है जिसका नाम है पीवीसी आधार कार्ड। पहले क्या होता था कि पीवीसी आधार कार्ड को कोई गवर्नमेंट जगह पर आप डॉक्यूमेंट देते थे तो वहाँ पर पीवीसी आधार कार्ड जो है मान्य नहीं रहता था, तो आप पीवीसी कार्ड का यूज़ नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया गया है और इसका ऑर्डर अब पीवीसी आधार कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर पर। तो यहाँ पर कुछ इसके अंदर स्पेशल चीज़ें दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर क्यूआर कोड मिलता है उसके अंदर, और साथ ही आपको इसके अंदर एक होलोग्राम मिलता है जो कि आप कभी किसी शॉप में बनाएंगे तो वहाँ पर आपको नहीं मिलता। उसके साथ ही आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ें और मिलती है, माइक्रो टैक्सेस मिलते हैं और कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस है। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा तो भी मंगा सकते हैं, या फिर अगर है तो भी आप मंगा सकते हैं। तो इसको कैसे ऑर्डर करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं ये क्या है और इसका क्या मतलब, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें जानना है तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब दोस्तों, इसको ऑर्डर करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पे आ जाना होगा। इस वाली वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप इसी लिंक से भी यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब घर बैठे ऑर्डर करें पीवीसी आधार कार्ड। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ शुल्क देना होगा जो कि है 50 रुपीज़ का, जो कि आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप इसको क्रेडिट कर डेबिट कर सकते हैं इसको, और यूपीआई के माध्यम से भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी इसको ऑर्डर कर दिया है और अभी तक नहीं पहुँचा तो आप यहाँ से इसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है आपका, जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जिस आधार कार्ड को भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं उसका आधार नंबर यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो आप वो भी दे सकते हैं, या फिर आपके पास ई आईडी नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर दे दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा, एक कैप्चा डालना होगा, और उसके साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ पर कोई भी टिक नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, वो कैसे पता करें ऑनलाइन, उसके बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर रजिस्टर है आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेंड कर देना है, तो उस रजिस्टर नंबर पर आपको एक ओटीपी मिलेगा, वो आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ पर जो भी नंबर आपके पास अभी अवेलेबल है उस नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर नंबर पर और आपने जो भी नंबर यहाँ पर डाला है उसके ऊपर एक ओटीपी मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ओटीपी मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ओटीपी को डाल देना है, जो भी आपके मोबाइल में आपको मिला है वो। उसके बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रीव्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं था। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जाता कि आपके आधार कार्ड में कौन सा नाम है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती। तो आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड से, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर यूपीआई से आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो कार्ड नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डाल देता हूँ, आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ओटीपी मिलेगा आपके मोबाइल नंबर में, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर
डाल देना है। सिंपली ओटीपी को डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पर आपका 50 रुपीज़ कट हो चुका है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पीसी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक स्टेटस भी कर सकते हैं, अगर आपका स्टेटस जो है आपका अभी रिप्रिंट आपको जो है अभी तक नहीं मिली तो आप यहाँ से स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको SRN नंबर डालना होगा जो कि आपको PDF में मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ये कैप्चा डाल के जैसे ही यहाँ पर चेक स्टेटस करेंगे तो आपके सामने स्टेटस चेक हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस आपको कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी कि इसको कैसे ऑर्डर करना है और आपको कैसे PVC आधार कार्ड को मंगवाना है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।